वीबीए कोड में लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि हम रेंज डॉट सेलेक्ट कर रहे थे और हमने किया था सीट डॉट सेलेक्ट के लिए। तो सीट डॉट सेलेक्ट के अंदर हम सीट का नाम सीट वन, सीट टू, सीट थ्री के साथ डिफाइन करें, या फिर हमने उस सीट का नाम लिख रखा है तो हम उस नाम से कोड लिखें, कौन सा बेटर रहेगा और दोनों में फ़र्क क्या है, ये सारा भी सीखेंगे इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो आइए सीख लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था डेवलपर टैब कैसे हम चालू करेंगे, विजुअल बेसिक हम कैसे रन करेंगे, इसकी शॉर्ट की भी हमने बताई थी, ऑल्ट एफ 11 होती है, और मैक्रो रिकॉर्ड हम किस प्रकार करेंगे। मैक्रो रिकॉर्डिंग के दौरान हमने ये भी जान लिया था कि जो हम कोड लिखते हैं, वीबीए कोड लिखते हैं, वो कैसे लिखेंगे, ये हमको मैक्रो ने बता दिया था, मैक्रो ने हमको कोड लिख के दे दिए थे, लेकिन आज हम कोड खुद लिखेंगे, अपनी तरफ से लिखेंगे। तो सबसे पहले हम विजुअल बेसिक की विंडो चला लेते हैं। विजुअल बेसिक की विंडो चल गई, यहाँ पर हमने बताया था आपको मॉड्यूल इंसर्ट करना, हम इंसर्ट में जाएंगे और एक मॉड्यूल इंसर्ट कर लेंगे। तो कोड विंडो यहाँ पर ओपन हो गई, हम कोड विंडो को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ताकि आपको यहाँ पे साफ नज़र आ जाए। और मॉड्यूल के अंदर हमने ये भी बताया था हम एक ही मॉड्यूल में कई कोड लिख सकते हैं। एक कोड हमने लिख दिया, कोड शुरू होता है सब से और एंड सब पे ख़त्म होता है, फिर से दूसरा कोड हमने लिखना है तो हम फिर से सब स्टार्ट करेंगे और एंड सब करेंगे। तो हम शुरू करेंगे यहाँ पर सब, स्पेस यूज़ करेंगे और अब हम यहाँ पर अपने मैक्रो का नाम डालेंगे। तो नाम कुछ इस तरह से डालें कि आपको उससे मदद मिल जाए कि हमने ये प्रोग्राम या ये कोड हमने किस काम के लिए लिखा था, उसी से रिलेटेड नाम डालें। और नाम के लिए मैंने आपको बताया था नाम के अंदर स्पेस यूज़ नहीं होगा और शुरू में नंबर यूज़ नहीं होंगे, या फिर स्पेशल करेक्टर अगर हम देना चाहें कोई अदर बीच में तो वो भी नहीं लेगा, सिर्फ अंडरस्कोर को ये सपोर्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर डालूँ टेस्ट VBA और टेस्ट के बाद मैं लगाता हूँ यहाँ पे कोई भी अदर करेक्टर लगा देता हूँ, मैं यहाँ पे डैश लगाता हूँ, डैश नहीं पहले स्लैश लगा के देख लेते हैं, और कर देता हूँ टेस्ट VBA और ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज, एंटर यूज़ करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कंपाइल एरर। किस चीज़ की? ये एक्सपेक्टेड दिखा रहा है एंड ऑफ स्टेटमेंट, हमने जो स्टेटमेंट दिए वो सही नहीं है, तो यहाँ पर हम अंडरस्कोर ही यूज़ कर लेते हैं, इसको ये सही तरीके से रीड करेगा। कर लिया, हम नीचे आ जाते हैं, एंड सब ऑटोमेटिक ले लेता है डिफ़ॉल्ट, हमको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे एंटर यूज़ करेंगे एंड सब अपने आप आ जाएगा। अब यहाँ पे मान लीजिए हम लिखें सबसे पहले जो हमने लास्ट वीडियो में किया था कि हमने किसी दूसरी शीट में कुछ टेक्स्ट लिखना है किसी सेल के अंदर। तो देखिए अभी हम यहाँ पर CGG सीट के अंदर हैं, हमको VBA सीट के अंदर जाना है, तो सबसे पहले तो हमको ये बताना होगा कि हम सीट VBA के अंदर जाएंगे, तो उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे सीट्स ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ पे मैं कर देता हूँ VBA डॉट सेलेक्ट। नीचे आ जाते हैं, देखिए ये चीज़ आप जैसे याद रखेंगे, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार थोड़ा सा समझ में आना चाहिए, ऑटोमेटिक ये कोड याद हो जाएंगे। अभी आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा लेकिन धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो आप देखोगे आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हमने क्या करा फिर से समझा देता हूँ, हमको फिलहाल क्या है, फर्स्ट स्टेप हमारा हमको इस सीट के अंदर जाना है, तो उसके लिए मैंने लिख दिया सीट्स VBA डॉट सेलेक्ट, यानी कि VBA सीट सेलेक्ट हो जाए। उसके अंदर हमने काम करना है, कहाँ पे करना है, कौन से सेल में जाना है उसके अंदर, तब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे रेंज। और रेंज के लिए हम बता दूँ रेंज क्यों यूज़ करते हैं और रेंज ही क्यों लिखते हैं, क्योंकि जो एक सेल होता है पर्टिकुलर सेल वो एक रेंज के अंतर्गत ही आता है, चाहे वो एक सेल हो या कई सेल हमने एक साथ सेलेक्ट किए हो, वो कंप्लीट रेंज ही कहलाएगी। हमने यहाँ पे रेंज के अंदर सेलेक्ट कर दिया B2, तो ये क्या समझेगा, यानी कि पहले सीट VBA के अंदर जाएगा, उसके बाद ये रेंज B2 को सेलेक्ट करेगा। अभी यहाँ पे देखो दिखा रहा है, जैसे मैंने B2 लिखा है तो रेंज के अंदर दिखा रहा है सेल 1 कोमा सेल 2 एज ए रेंज। अब सेल 1 सेल 2 क्यों दिखा रहा है, और हम सेल 1 सेल 2 भी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर जिक्र करेंगे। आप सिर्फ स्टेप बाय स्टेप देखते रहिएगा, जब तक आप पूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे आपको VBA कोडिंग नहीं आएगी। तो हमने B2 को सेलेक्ट किया, B2 के अंदर पहुँच गए ब्रैकेट क्लोज डॉट सेलेक्ट, ओके। अब देखिए दोनों स्टेप आपको समझ में आ गए,
हमने यहाँ पे लिखा सीट VBA और रेंज B2। यदि हम सीट VBA उसका नाम डालने की बजाय हम यहाँ पे लिख दें सीट और यहाँ पे हम कर दें सीट 1 डॉट सेलेक्ट, उसके बाद एक बार हम इसको रन करके देखें अब इन दोनों में क्या फ़र्क पड़ता है ना। रन करने के लिए मैंने आपको बताया था आपके पास एक डीबग टूल बार होनी चाहिए, और जितने भी स्टेप हमने रिकॉर्ड किए हैं, इस बार हमने रिकॉर्ड नहीं किए हैं, हमने लिखे हैं, जितने भी स्टेप हमने लिखे हैं उनको स्टेप बाई स्टेप रन करना है, तो हम करेंगे F8। देखो यहाँ पे दिखा रहा है ना स्टेप इन्फॉर्मेशन के लिए F8। F5 करेंगे तो कंप्लीट पूरा मैक्रो रन करेगा, F8 करेंगे तो एक एक स्टेप रन करेगा। तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं F8 की। तो देखिए सबसे पहले ये इस मैक्रो के नेम पे पहुँच गया, फिर से F8 करेंगे इसने रीड कर लिया, दोबारा से पहुँच गया ये VBA सीट के ऊपर। अब ये क्या काम करेगा, हमारा CGG सीट से VBA सीट पे पहुँच जाएगा? देखिए फिर से हम F8 करते हैं तो सही काम कर रहा है, यानी कि ये कोड VBA जो हमने नाम लिखा था सीट का ये सही काम करा। दूसरे नंबर पे अब ये वाली है, इस पे हम फिर से F8 करते हैं तो देखो यहाँ पे फर्क पड़ रहा है, कह रहा है स्क्रिप्ट आउट ऑफ रेंज, क्योंकि इसको एक नंबर सीट नहीं मिल रही है। देखिए हम एंड करते हैं इसको, एक नंबर सीट नहीं मिल रही है क्योंकि एक नंबर सीट का हमने नाम चेंज कर दिया है, VBA नाम है इसका। तो फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ और अभी मैं आपको समझाता हूँ हम सीट नंबर लिखें या सीट का नाम लिखें तो क्या फ़र्क होगा। सबसे पहले इसको रन करके देखें, हमने यहाँ पे किया F8, फिर F8, उसके बाद VBA सेलेक्ट हो गई क्योंकि पहले ही VBA में थे, और फिर से F8 करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे B2 रेंज सेलेक्ट कर ली। अब रेंज के अंदर हम चाहें कि ज़्यादा सेल सेलेक्ट हो, जैसे कि हम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इस जगह लिख देता हूँ, एक नाम मैंने लिखा, कुछ यहाँ पे नाम लिख दिए, अब मैं चाहता हूँ कि ये सारे सेलेक्ट हो जाएं, तब हम क्या करेंगे, हम वापस कोड के अंदर आएंगे और इधर हम जो हमने B2 रेंज सेलेक्ट करी थी इसकी जगह हम डाल देंगे कहाँ से कहाँ तक, हमने B5 डॉट यूज़ करेंगे, कॉलन यूज़ करेंगे और B9 तक हमने सेलेक्ट करना है। और अब इसको रन करके देखेंगे फिर से हम, तो प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से F8, फिर से F8, हम VBA के अंदर ही हैं तो ये कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, VBA के अंदर ही रहेगा, और फिर से हम F8 प्रेस करेंगे तो अब क्या किया इसने, इसने वो रेंज सेलेक्ट कर ली कंप्लीट। अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने यहाँ पे फाइल नेम लिखा है और हम यहाँ पे सीट का 1, 2, 3 के हिसाब से लिखें तो कौन सा बेटर रहेगा, क्या फ़र्क पड़ता है दोनों में। ओके तो उसके लिए मैं यहाँ से वापस CGG इसके अंदर सीट के अंदर आ जाता हूँ और यहाँ से हम फिर से अपना कोड चालू करेंगे, और आप यहाँ पे जो हमने सीट VBA नाम दे रखा है इसकी जगह अगर हम सीट की पोजीशन डाल दें, हमने 1 डाल दिया, और अब रन करके देखेंगे इस मैक्रो को हम F8 फिर से F8, देखो पहुँच गया वहाँ पे, फिर F8, यानी कि इस प्रकार से भी ये रन कर रहा है। हमने सीट की पोजीशन डाल दी यानी सीट 1, हमारे पास ये 1 सीट है ना, अगर सीट 2 डाल दें यहाँ पे पोजीशन, हम यहाँ पे पोजीशन नंबर 2 डालते हैं, मैंने यहाँ पे डाल दिया 2, और फिर से हम इस मैक्रो को दोबारा से रन करेंगे एक F8 फिर से F8, तो अब ये कहाँ पहुँच गया, अब सीट 2 CGG वाली में आ गया और अब यहाँ पे इस रेंज को सिलेक्ट कर रहा है। तो इस प्रकार से भी हम सीट का नंबर्स भी डाल सकते हैं, लेकिन फ़र्क क्या है मैं ये बताने वाला था कि नंबर्स में और नाम में। अब देखिए बाय द वे आपने ये सीट किसी क्लाइंट को दे दी या आपके कंप्यूटर पे कोई दूसरा बैठा है और उसने यहाँ पे एडिटिंग के दौरान इस सीट को इंटरचेंज कर दिया इस प्रकार से, यानी कि VBA को दूसरे नंबर पे ले आया और फिर यहाँ पे हम कोड यूज़ करें, एक नंबर हमने VBA के लिए डाला था और फिर से एक नंबर हम डालेंगे और रन करके देखेंगे, तो आप देखोगे इस बार जो एक नंबर सीट है वो CGG सेलेक्ट हो रही है ना कि VBA, है ना, तो ये फ़र्क पड़ सकता है। और यदि आप उसको एग्जैक्ट नेम डालेंगे जो आपने नेम डिफाइन किया है तो ये उसी सीट के ऊपर जाएगा जो इसको नाम मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे फिर से डाल देते हैं VBA, अगर आपने गलती से स्पेलिंग भी मिस्टेक कर दी और यहाँ पे VVA हो गया तो ये रन नहीं कर पाएगा, ये आपको एरर दिखाएगा। कौन सी एरर दिखाएगा, कि आपको ये आउट ऑफ रेंज यानी कि एरर 9 से मिलेगी कि ये नाम से इसको वो सीट नहीं मिल रही, कहाँ पे जाएगा। ठीक है तो हम यहाँ पे वापस VBA कर लेते हैं और अब VBA सीट को हम चाहे तो हम यहाँ लास्ट में रख दें,
ठीक है, और हम फर्स्ट सीट के अंदर है, उसके बावजूद भी हम जब इसको रन करेंगे F8 F8, तो देखिए ये लास्ट में ही पहुंच जाएगा। अब इसको नंबर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब हमने टारगेट सीट 1 2 3 के हिसाब से नहीं डाला है, हमने टारगेट सीट इसको VBA नाम दिया है। ठीक है, तो VBA सीट चाहे एक नंबर पे हो चाहे 10वें नंबर पे हो, ये डायरेक्ट उसी पोजिशन पर पहुँच जाएगा। इसी प्रकार यदि हम यहाँ पर जो रेंज हमने वर्ड यूज़ किया है, इसकी जगह हम वर्ड यूज़ करें सेल्स, और सेल्स के अंदर यहाँ पे कह रहा है रॉ इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स, क्योंकि हम रेंज के अंदर भी सेल ही तो ले रहे हैं, एक सेल या मल्टी सेल हमने लेना है, और सेल्स के अंदर भी हम सेल ही ले पाएंगे, लेकिन किस प्रकार ले पाएंगे और कौन सा सही रहेगा, रेंज लें या सेल्स लें, ये जिक्र करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे साथ बने रहिएगा, तो फिर से मिलेंगे नए ट्यूटोरियल के साथ। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स से बताइए, हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, हमें लाइक कीजिए, और यदि नए हैं आप हमारे चैनल पे तो हमें सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।